बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदेद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो जो है कबूतर के रेशे के हवाले से है। जैसे कि आपको पता है कि अब जो मौसम आ गया है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर परेशानी रहती है नज़ला ज़ुकाम कबूतर को, ठीक है, आँख खराब का ये मसला कुछ ज़्यादा सा ही रहता है। और साथ में जो पोर्ट बंद का मसला है उसके हवाले से मैंने आप लोगों को वीडियो दे दी है। तो मैंने आपने उसे जिक्र करा था जब मैं आपको पोर्ट बंद के हवाले से वीडियो दे रहा था, तो उसमें मैंने आपसे जिक्र करा था कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। ये एक परवाजी नुस्खा भी है, ठीक है, और साथ साथ ये जो है कबूतर की ट्रीटमेंट भी है। यानी जिस कबूतर के गले में कोई भी इन्फेक्शन, ठीक है, या सांस का मसला कबूतर में आया हुआ, जैसे कबूतर मुँह खोल के सांस ले रहा होता है, ठीक है, इसके हवाले से मैंने आप लोगों को एक टैबलेट का जिक्र करा हुआ है। ऑफलॉक्स के नाम से एक टैबलेट आती है, ठीक है, अगर वो आप इस्तेमाल करो तो उससे भी कबूतर काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाता है, ठीक है, 2-3 दिन के इस्तेमाल से, ठीक है। जो भाई यानी इस ऑफलॉक्स का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो जो है कबूतर के वज़न पर डिपेंड करती है कि कबूतर का वज़न किस कदर है, ठीक है। ये ना हो कि कबूतर बिल्कुल सूख चुका हो, कागज़ हो चुका हो, तो आप उसे दोगे तो वो थोड़ी पावरफुल गोली होती है, 400 mg की गोली है टैबलेट, ठीक है, ऑफलॉक्स का, तो ये हो जाए बहुत ज़बरदस्त गोली है, ठीक है। तो अब मैं साथ साथ जो आपको बता रहा हूँ, आपने कबूतर का वज़न देखना है, अगर ज़्यादा है यानी सही है तो आप आधी गोली दे दो, नहीं तो एक गोली का चौथा हिस्सा आप दे दो, ठीक है, मतलब एक गोली के 4 पीस करो, 1 पीस इस्तेमाल करो, 3 पीस यानी अगले दिन 4 दिन तक इस्तेमाल करो एक गोली, इंशाल्लाह कबूतर जो है मुँह खोल के सांस लेना बिल्कुल रुक जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो चीज़ मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ ये डिपेंड करती है आपकी मेहनत पर, ठीक है, और आपके यानी जो आप जद्दोजहद करोगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ आपने इस यानी नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली है वो है छोटी मक्खी का शहद, ठीक है, असल शहद होना चाहिए आपके पास, हनी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो एक नंबर प्योर होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जब देसी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो कबूतरों पर तो इस देसी चीज़ें आपके पास एक नंबर होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। गुड़ की शहद बनी हुई ले आओगे या चीनी की बनी हुई ले आओगे तो वो फिर अलग है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने शहद लेना है एक नंबर छोटी मक्खी का, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। और साथ साथ आपके पास दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो होनी चाहिए सुहागा, ठीक है, जिसे नहीं पता है वो स्क्रीन पर देख सकता है, ये आपको पंसारी के पास मिलेगा, और शहद एक नंबर भी आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ हकीम वगैरह के सामान रखा होता ना तो उनके पास ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और साथ ही आपके पास होनी चाहिए मुलट्ठी, ठीक है, मुलट्ठी आसानी से मिल जाती है, आपको पता हो कि पंसारी के पास मिल जाती है, जहाँ से आपको यानी कि हनी मिलेगी वहीं आपको सुहागा भी मिल जाएगा, वहीं से आपको मुलट्ठी भी मिल जाएगी। तो इस चीज़ को आपने बनाना है, ठीक है, बनाने का तरीका ये है कि आपने ले लेना है कम से कम 100 ग्राम शहद ले लेना है, ठीक है, ये आपकी यानी एक सिरप बनेगी जो आप कबूतर पर इस्तेमाल कराओगे किसी ड्रॉप पर, यानी जो कान में डालने वाली दवाई होती है या आँख में डालने वाली दवाई होती है उस ड्रॉपर की तरह आपने एक ड्रॉपर बनाना है, उसमें ये चीज़ डाल के आपने कबूतर को इस्तेमाल करानी है। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट मैं कह रहा हूँ आपको इतना ही शानदार मिलेगा, आपका कबूतर इससे आप यानी परवाज़ में इस्तेमाल करो तो भी कबूतर को आपके कबूतर परवाज़ अच्छी करके दिखाएगा, अगर आप इसको बीमारी के लिहाज से भी इस्तेमाल करोगे वहाँ भी ये काम करेगी, ठीक है। जैसे अब आने वाला सीज़न, इसमें अक्सर कबूतरों में ये होता है कि ज़ुकाम हो रहा है, गले में आप मुंह खोल के देखते हो सारा रेशा भरा हुआ है, ठीक है, तो खरखर कबूतर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो सारा मसला हल कर देगी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, ठीक है, हल्के में नहीं लेना, आपने इसको बनाना है तो आपने ले लेना है 100 ग्राम आपके पास शहद होना चाहिए, 100 ग्राम शहद के साथ साथ आपने लेना है, इसमें शामिल करना है 15 ग्राम सुहागा, तो सुहागा आपने ले के आना है पंसारी से, उसको फ्राई पैन पर रख के आपने पकाना है, इतना सा आप ले लो, ठीक है, ठीक है, इतना सा टुकड़ा ले लो, उसको आप यानी फ्राई पैन पर रख के आप जब पकाओगे वो मेल्ट हो जाएगा, जिस तरह फटकड़ी होती है ना, फिटकड़ी देखी होगी आप लोगों ने, मेल्ट हो जाती है, सेम इसी तरह सुहागा भी मेल्ट हो जाएगा, फिटकड़ी की शक्ल का होता है लेकिन फिटकड़ी नहीं होती, ठीक है, वो आपने यानी कि उसको भी मेल्ट करना है, मेल्ट करने के बाद उसको आपने अच्छे से पाउडर बना लेना है, जब वो पाउडर आपका तैयार हो जाए बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाना है आपने, ठीक है, बारीक पाउडर बना के आपने इस्तेमाल में लेना है 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम आपके पास सुहागे का पाउडर हो गया। अब साथ में आपने जो चीज़ लेनी है तीसरे नंबर पर वो है मुलट्ठी, ठीक है, मुलट्ठी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, ठीक है, आपने मुलट्ठी लेनी है, मुलट्ठी की आपने साइडों डंडी को अच्छे तरीके से साइडों से साफ़ कर लेना है, जो भाई को नहीं समझ आ रही तो पिक्चर स्क्रीन पर है पड़ी देख सकते हो, तो आपने इसकी साइडों से अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको साफ़ सुथरा करके आपने
इसको भी पीस के बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। जब ये चीज़ भी आपके पास बारीक पाउडर बना लो आप, यानी कि आपने लेना है 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम आपने मुलट्ठी का पाउडर, 15 ग्राम आपने लेना है सुहागे का पाउडर, और 100 ग्राम आपने लेनी है शहद, ठीक है ये। और फिर चौथे नंबर पे इसमें आपने 2-1 सब्ज़ इलायची, ठीक है, 2-1 सब्ज़ इलायची, उसका भी आपने छील के अंदर से पाउडर बना लेना है बीजों का, वो भी आपने शामिल कर लेना है। तीनों पाउडरों को आपने यकजान मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको शहद में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपकी एक यानी कि लिक्विड टाइप एक दवाई बन जाएगी, हार्ड सी मजून, ठीक है। आपने इसको ड्रॉपर के ज़रिए इस्तेमाल करना है। तो ये आपने एक ड्रॉप इसका कतरा जो है, यानी कि मोटा कतरा, छोटा सा नहीं तो मोटा कतरा, यानी कि सुबह कबूतर को देना है, और एक कतरा आपने रात को कबूतर को देना है। जिस कबूतर में खरखर की शिकायत हो, सांस की मसला चल रहा हो, या जो कबूतर आपका अच्छी परवाज नहीं कर रहा कोई मसले की वजह से, उसमें कुंदों पे रेशा वगैरह आ जाता है, तो ये बिल्कुल उसके अंदर से सारा रेशा निकाल देगी, सारा उसके अंदर से मतलब निज़ाम को साफ कर देगी। मैदे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है, मैदे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है सुहागा, और जो है मतलब फेफड़ों को ऊपर जो वर्म वगैरह जो होता है उसकी भी अच्छे से सफाई, और सांस की नाली की भी अच्छे से सफाई। जब ये कबूतर के अंदर से रेशा साफ हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली कबूतर परवाज़ भी अच्छी करता है, और उसको जितना भी ज़ुकाम नज़ला हो कबूतर को, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कराओ, इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जो भाई को न समझ आई हो तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह फिर बता दूंगा। लेकिन आपने इस चीज़ को बनाना वैसे है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और चीज़ आपने एक नंबर लेनी है मुलट्ठी, तो आपको पता है सुहागा आपने एक नंबर लेना है, ठीक है, और साथ ही आपने हनी शहद एक नंबर लेनी है। तो यही थी वीडियो, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो, फिर अगली मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।